आपको ये तो आपके हाथ में है, स्नेक बेचना नहीं बेचना, स्नेक पीना नहीं पीना, आपके चिट्टा बेचना नहीं बेचना, चिट्टा पीना नहीं पड़े तो खुद बच्चों का भविष्य जो है ना उनको बनाओ। ये आज की मीटिंग इसी बात के लिए कि आपको हम चेतावनी देने के लिए, सावधानी के लिए, समझाने के लिए आए कि आप चिट्टा विट्टा स्नेक करेंगे, जो स्नेक पिएगा उसको भी पन्नी के साथ पकड़िए मुकदमा करेंगे। साहब ये तो पत्ते हैंगे पीछे से ना बिदरा दो, हां जाति चढ़ जाएंगे पत्ते। कौन से वो मुट्टे ना तुम्हें अब सुन ले, हां वो भी पीछे से भी करेंगे, हम दिल्ली से भी ले आए, दिल्ली वाले को भी लेके आए हम, अंदर करेंगे सब सब करेंगे, वो भी करेंगे, किया दिल्ली वाले को भी लेके आए। ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये हम आपको देने के लिए उसको देंगे साले। मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं उठाता, गांजा भी है, स्मैक भी है, चिट्टा भी है, पोस्ट भी है, दवाइयाँ गोलियाँ शीशियाँ भी है, कई तरह नशे हैं। मेरे को सारी जानकारी है कि कौन कौन क्या क्या बेच रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हमारा पहला फर्ज है कि इस मोहल्ले के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि ये काम हो, लेकिन मेरा पड़ोसी यदि कर रहा है तो मैं उसको मना नहीं कर पाता। तो अपने अपना घर पर ही सुधार लो, हम प्रेम से कहेंगे, समझाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार कहेंगे, एक बार नहीं 10 बार कहेंगे, जिसने नशा शुरू कर दिया आप लोग हमारे साथ हैं उसको नशे छुड़ाने की दवाई भी दे देंगे, लेकिन जो नहीं करेगा उसकी कर तो मंगू उषा बेस बनने वाली होगी, मुकदमे लगेंगे, एक बार मुकदमा लगा गई 5-7 साल के बाद नहीं छूटता। आदमी की जिंदगी कितनी होती है, 50-60 साल ही होती है जिंदगी, उसमें 10 साल तो उसके अंदर निकल जाएंगे, तो नुकसान ही नुकसान है। तो या तो देखो तुम्हारे घर में लेडीज भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों ने तुम्हारे घर में जन्म लिया, भी अपराध करा है, भाई इनको कोई रस्ते से डालो या इनको भी नशा कराओ, ये नशा बेचेंगे, ये नशा आपके साथ एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुख कैंसर का डॉक्टर हूँ मैं। एक सब लेडी है जिसकी खूब जमीनें थी, उसका बच्चा शादीशुदा, छोटे छोटे उसके बच्चे, और नशे की लत में वो किसी गांव में है लग गया। नशे की लत से उसको कैंसर जैसा एक रोग हो गया। माँ ने, बाप नहीं है, माँ ने अपनी जमीन बेची, अपने जेवर बेचे, उसके बाद अपना घर बेचा, एक प्राइवेट कॉलेज में पियोन की नौकरी करी, और फिर भी अपना बेटा गंवाया। क्यों गंवाया? क्योंकि उसको किस चीज की लत थी? नशे की। उस नशे की लत से उस परिवार की छवि बिल्कुल बिगड़ गई। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? हम जानते हैं जी, जानते हैं।